यो आकाशवाणी जम्मू है। आलम खान हकलाते हैं गोजरी में खबर सुनो। जिला तरकियात कौंसिल का पंजवा मरहला का चुनाव आज सख्त हिफाजती इंतजाम बिष्कार कर लिया जा रहे हैं। पोलिंग की कार्रवाई सवेरे 7 बजे शुरू हुई, जेडी के 2 बजे तोड़ी जारी रहेगी। COVID-19 की तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करता मती तादाद में लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर देखे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा होने जा रहा जिला तरकियात कौंसिल का चुनाव पुरअमन अहसन तरीके मुनाकद कराने वास्ते इंतजामिया ने तमाम तर इंतजाम किए हुए हैं। 37 हल्का इस मरहला में वोट कर लिया जा रहे हैं, जिसमें 17 हल्का कश्मीर सूबा में जबकि 20 हल्का सूबा जम्मू में है। इस मरहला में 299 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जिसमें 229 मर्द जबकि 70 कालेश्वरी उम्मीदवार शामिल हैं। इस मरहला में 8,27,519 राय दहिंदगान हैं, जिसमें 4,33,288 मर्द जबकि 3,94,234 कालेश्वरी वोटरान हैं। कुल वोटरान विचों 4,39,529 वोटरान सूबा जम्मू थे जबकि 3,87,990 कश्मीर सूबा थे। हुकाम ने इन चुनावों वास्ते 2,104 पोलिंग मरकज कायम किया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने क्यों वजह तारीखी पीएम वाणी स्कीम जिसना गुज़श्ता रोज ही मरकजी काबीना ने मंजूरी दी थी वह टेक दुनिया में एक इनकलाब साबित होगी। इस नाल मुल्क का हर कोना में वाईफाई की दस्तियाबी ना भी वाजिया बेहतरी आवेगी। अपने एक ट्वीट में जिना मोदी ने क्यों वजह इस नाल कारोबार करन ते रोजमर्रा की जिंदगी में भी मजीद बेहतरी आवेगी। उन्होंने क्यों जे इस स्कीम नाल निक्का दुकानदार भी वाईफाई खिदमत फराहम कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने क्यों जे इस नाल आमदनी में इजाफो वेगो ही नाल ही नौजवानों बिला रिकावट इंटरनेट खिदमत भी दस्तियाब हो सकेंगी। नाले इस नाल डिजिटल भारत मिशन न भी मजबूती मिलेगी। काबिले जिक्र है जे काबीना ने गुज़श्ता रोज ही बगैर किसी लाइसेंस फीस गए अवामी वाईफाई नेटवर्क कायम करना मंजूरी दी थी। ज़रात पैदावार ते किसान बहबूद महकमा का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन के चौधरी की तरफों मुतहदा अरब अमीरात की अलमाया सुपरमार्केट दुबई में GI मार्का आला कश्मीरी केसर की एक तकरीब के दौरान शुरुआत की गई। कश्मीर केसर का स्टाल अलमाया सुपरमार्केट में दस्तियाब रहेगा। काबिले जिक्र है जे एक वफद जिसमें किसान कारोबारी ते जम्मू कश्मीर का सरकारी अफसर शामिल हैं, जिसकी क्यादत महकमा का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन के चौधरी कर रहे हैं। वो इस वेले UAE भारत खुराक सिक्योरिटी इजलास में हिस्सा ले रहे हुए, जिसको मकसद खलीजी बाजार में जम्मू कश्मीर की बागबानी की पैदावार नबादो देना है। खुराक सिविल सप्लाई से अमूरे सार्फिन महकमा की एक जायजा मीटिंग की सदारत करता हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर का सलाहकार फारूक खान ने गुज़श्ता रोज महकमा का कामकाज से मुस्तकबिल का निशाना वर तबादले ख्याल कियो। सलाहकार ने अफसरा न कियो जे वो सार्फिन तुड़ी फौरी तौर अनाज पहुँचाने वास्ते किरायो घट करना यकीनी बनावे। उन्होंने राशन LPG ते मिट्टी का तेल की सूरत हाल को भी जायजो लियो, जिसना बर्फ आला इलाका में भेजो जानो है। उन्होंने अफसरा न कियो जे वे इन चीज़ों का जखीरा को ध्यान रखें ते जखीरो आता ही वेला सिर मुस्तफीदा दूरी पजावे। उन्होंने आधार सीडिंग राशन कार्ड को जायजो लेता हुआ अफसरान पर जोर पायो जे वे इस स्कीम का फायदा बारे बेदारी आम करण वास्ते मकामी मीडिया को इस्तेमाल करें। सलाहकार मौसूफ ने दस्यो जे आधार नाल राशन कार्ड जोड़न को 90% दे मतो कम पूरो कर लियो गयो है। उन्होंने कहो जे महकमो उन लोगों ना ही राशन फराहम करेगो जिसने राशन कार्ड नाल आधार कार्ड जोड़ियो वैगो। मरकजी जेरे इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता रोज 369 नवा COVID-19 का मुस्बत मामला की तस्दीक हुई है, जिसमें 190 मामला सूबा जम्मू थे जबकि 179 मामला कश्मीर सूबा थे मुस्बत पाया गया है। इस तरह एक कुल मुतासर मामला की गिनती 114,407 हो गई है। इस दौरान COVID-19 नाल 6 और अफराद की मौत वाक्य हो गई, जिसमें 3 मौत सूबा जम्मू थे जबकि 3 मौत कश्मीर सूबा में हुई है। इस वे 5,016 सरगर्म मामला है, 107,624 मरीजों ने अफाको हुआ है जबकि 1,760 अफराद की मौत वाकया हो गई है। पिछले तिहाड़ा 7,342 कोविड का होर मरीज बाग बाग अस्पताल से ठीक होकर अपना घर चले गए हैं। इस तरह मुल्क में पिछले 24 घंटे के दौरान 31,521 नवा कोविड मामला की तस्दीक हुई है, जिस नाल मुल्क में कोरोना मुतासर मामला की मजमू तादाद 97,67,372 हो गई है, जिसमें 3,72,293 सरगर्म मामला है, 92,53,307 मरीज शफायाब हुआ है, 1,41,772 अफराद की मौत वाक़ हो चुकी है। COVID-19 शफायाब होने वाला मरीजों की शरह 94.74% तोड़ी पुज गई है।
कुछ तिहाड़ों तोड़ी खामोश रहने के बाद पाकिस्तान ने गुजश्ता शाम एक बार फिर कब्जा लकीर के नजदीक फायरबंदी मुआहदा के खिलाफ वर्जी करता हुआ निका हथियार के भारी मोटार न बिला इश्तियाल गोलीबारी की है। दिफाई तर्जुमान कर्नल दविंदर आनंद ने दस बजे शाम तकरीबन 8 बजे पाकिस्तान ने जिला पुंछ का मनकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल गोलीबारी करना शुरू कर दी थी, जिसको भारतीय फौज की तरफों भी बनकतो परतोदित हो गया है। गोलीबारी की वजह इस पास किसी किस्म का जानी या फिर माली नुकसान की अजा कई खबर नहीं है। इसका नाली गोजरी में खबर जो बुलेटिन खत्म हुआ।